सोनू सूद भैया, थैंक यू। सोनू सूद भैया, थैंक यू। सोनू सूद जी, थैंक यू। चांडिल प्रखंड के माचाबेड़ा पहुंचा सोनू सूद, जहां सरकार की मदद ना के बराबर वहां पहुंचा सोनू सूद का मदद। ये क्षेत्र भारत से बाहर की नहीं, पर सरकारों की मदद या योजना या लाभ यहां के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। घने जंगलों के बीच माचाबेड़ा, जहां सरकार भी नहीं पहुंच पाता, यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी नहीं पहुंच पाता, यहां पहुंचा सोनू सूद। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत के मशहूर कलाकार सोनू सूद की, जिनके प्रयास से शहर से दूर प्रकृति के गोद में रहने वाले आदिम जनजातियों के बीच में पहुंचा सोनू सूद। उन आदिम जनजातियों के लिए मसीहा बने सोनू सूद। आप लोग जो पकड़े हुए हैं, ये कौन कौन आप लोग को दिया? सोनू सूद। उसके बाद तो कैसा लग रहा है आप लोग को ये सब मिलके? बहुत अच्छा, बहुत खुशी लग रही है, खुश लग रहा है। चौका थाना क्षेत्र के हेसाकोचा पंचायत माचाबेड़ा गांव में 24 अक्टूबर रविवार को माचाबेड़ा के बच्चों के लिए फिल्म कलाकार सोनू सूद का मदद पहुंचा। बच्चों का पढ़ने के लिए किताब कॉपी एवं खेलकूद के लिए सामग्री आदिम जनजाति बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया। यहाँ की जानकारी चालीबसा के पंचायत समिति सदस्य गुरुचरण साव ने ट्विटर पर ट्वीट कर सोनू सूद को दिया था। गुरुचरण साव ने यहाँ के समस्या और यहाँ के आदिम जनजाति बच्चों के समस्या को ट्विटर के माध्यम से बात को रखा था। इस ट्वीट को देखकर सोनू सूद ने माचाबेड़ा के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कॉपी किताब कलम बैग के अलावा खेलकूद का सामग्री भी भेजा, जो रविवार को माचाबेड़ा के सैकड़ों बच्चों के बीच में वितरण किया गया। आज से लगभग 2 महीना पहले मैं हेसाकोचा पंचायत के माचाबेड़ा घूमने गया था, तो वहाँ पे मुझे ये बच्चा मिला। तो मैंने इनको पूछा कि बाबू आपका नाम क्या है, तो नाम अपना बताया, सोमा पहाड़िया। उसके बाद मैंने पूछा आपका जन्मदिन कब है, तो बोला क्या जन्मदिन क्या होता है। फिर मैंने बोला कि आप क्या खेलना पसंद करते हैं, तो कुछ नहीं बताया। हम बोले कोई खिलौना पसंद है, तो कुछ नहीं बताया। उसके बाद फिर मैंने बोला आप स्कूल जाते हो, तो बोला मास्टर ही नहीं आते हैं यहाँ पर। फिर मैंने ये सब को लेकर एक ट्वीट किया था इस बच्चा का फ़ोटो के साथ सोनू सूद सर को, जो हम लोग का लॉकडाउन में कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा वो अपना लोगों को मदद कर रहे थे, इसमें उनको हम ट्वीट किए थे। तो उन्होंने इन बच्चों के लिए बहुत सारा खिलौना, चॉकलेट, मिठाइयाँ, केक, स्पोर्ट्स सामान, किताब कलम, आपका कलर पेंसिल वगैरह हो गया, ड्राइंग बुक हो गया, मतलब विभिन्न प्रकार का सामान, छोटा बच्चा के लिए उस हिसाब से सामान, बड़ा बच्चा के लिए उस हिसाब से सामान, स्कूल बैग हो गया, लड़कियों के लिए डॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बैट, हॉकी, A to Z मतलब खेलने का सामान आज इन लोग का गाँव में भर दिया। आदिम जनजाति बच्चों को पढ़ाई एवं खेलकूद की सामग्री मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। यहाँ के मासूम जनजातियों के खुशी एवं मुस्कुराहट देखकर गुरुचरण भी हंसते खिलखिलाते बच्चों के साथ खुशी बांटते हुए दिखे। हेसाकोचा पंचायत के माचाबेड़ा जाने के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया कोई सड़क नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों ने ही अपने दम पर खुद से माचाबेड़ा जाने के लिए रास्ता बनाया है। इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ सरकार है ही नहीं। यहाँ पीने के लिए पानी का बहुत ही समस्या है, यहाँ चापाकल भी नहीं है, यहाँ स्कूल तो है पर शिक्षक नहीं आता है, यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ के आदिवासी खेती बाड़ी कर और लकड़ी, दातुन, पत्ता बेचकर जीवन यापन करते हैं। हेसाकोचा पंचायत के मुखिया कुनाराम टुडू ने बताया कि मुखिया फंड से जितना भी कार्य होता है उससे हम पंचायत का विकास करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ के विधायक, सांसद, आदिवासी कल्याण मंत्री, आदिवासी मामलों के मंत्री या सरकारी अधिकारी को यहाँ के लोगों ने कभी देखा तक नहीं है, तो ये लोग विकास कैसे करेंगे इन क्षेत्रों का। यहाँ के आदिम जनजातियों ने प्रकृति, पेड़ पौधों को बचाए रखा है। इन आदिवासियों का धर्म ही प्रकृति है। इन जनजातियों का दशा देखकर मुखिया कुनाराम के साथ पंचायत समिति सदस्य गुरुचरण साव इन जनजातियों के बीच में हमेशा आते हैं और दुख सुख में साथ देते हैं।
इस कार्यक्रम के लिए सोनू सूद सर ने जो भी अपने तरफ से किए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये दुनिया में तो बाहर जी जो मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं उन लोग के लिए बहुत आदमी सोचते हैं, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र में जो आपका आदिम जनजाति खास करके रहते हैं उन लोग को कोई ध्यान नहीं देता है। आज उन बच्चों का चेहरे पे खुशी झलक रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं उसके लिए सोनू सूद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में यहाँ का जो सरकार है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में ध्यान दे, इनके नाम पे जो भी योजना बनता है वो सब गायब हो जाता है, उसको थोड़ा कार्रवाई करें। और इन लोग को भी मतलब हक है कि हम भी मुख्य धारा में जुड़े, हम भी शिक्षित हों, हम भी खेलें, हम भी कूदें। इनको भी जैसे हम लोग का बाहर जो शहर में रहते हैं जो उन बच्चों को जो हक है इन लोग को भी वही हक है। इतना ही कहकर मैं अपना बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा नाम गुरुचरण साहब है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा घर चौली बसा चौका में। इन क्षेत्रों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इनसे अभी हम ये जानना चाहेंगे भाई, इन क्षेत्र सबने कहा क्या आखिर विकास होगा लेकिन शिक्षा को ज़्यादा जोर देना होगा, लेकिन आप इन क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय रहे, घूमे हैं, देखें हैं, तो आप इन क्षेत्रों के जनजातियों के बारे में आप क्या क्या उसे देखें कि जिनके वजह से इनका विकास नहीं हो पा रहा, शिक्षा है, रोजगार है, क्या? देखिए यहाँ का जो जनजाति है वो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में खेती का तो बहुत कम चांस रहता है, खेती तो हो नहीं सकता है। यहाँ अगर बागवानी हो, जैसे फलदार जो बागवानी होता है छोटा, मान लीजिए जंगल में दूसरा जो इमारती लकड़ी उसमें तो फल नहीं आता है, साल का वन है, उसके जगह में अगर जहाँ ये लोग बसवास करता है वैसे जगह में अगर फलदार पौधा लगा दिया जाए, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, इस टाइप का जो फल का पौधा है चारों तरफ अगर फैला दिया जाए तो कम से कम उसको ये लोग फल भी खाएंगे तो जो बचेगा वो बेचेंगे भी, ये हो गया। दूसरा हो गया इन लोगों को हाथ का काम सिखाना होगा कौशल विकास से। यहाँ का आदमी बहुत ज़्यादा पलायन कर रहा है क्योंकि यहाँ रोज़गार का कोई साधन ही नहीं है, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत नरेगा से होता है केवड़ा होते, यहाँ रोज़गार का कोई साधन नहीं है, ना तो इन लोगों की खेती है ना। हाँ, और एक चीज़ है यहाँ, वो जो मवेशी पालन होता है ना, बकरी पालन हो गया, ये सब में क्योंकि जंगल में तो पत्ता उत्ता या घास उसका कमी नहीं है, तो इस सब में अगर ध्यान दिया जाए, बकरी पालन हो गया खास करके, ठीक है, मुर्गी पालन हो गया, देसी मुर्गी, हाँ, और ख़ास करके इस क्षेत्र में अंदर में एजुकेशन जीरो है। अच्छा, इन लोग यहाँ के एक स्कूल है, नाम का स्कूल है, लेकिन वहाँ कोई टीचर जाता नहीं है, ठीक है, इतना दुर्गम क्षेत्र है। आज उत्तराखंड में ऊंचा ऊंचा पहाड़ों में रोड बनता है, दलमा में रोड बना है, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता रोड, हैं? सरकार का इच्छा शक्ति नहीं है एक्चुअली, यहाँ लोग कुछ करना ही नहीं चाहता है, ठीक है। इन लोग तुम लोग पड़े रहो जंगल में कोई मतलब नहीं है। आज समझ लीजिए माचाबेड़ा तानी सया मोटूदा नाम का जो जगह सब है और 10-15 उधर टोला है, उधर अफसर मतलब क्या बोलिएगा कि आज़ादी के बाद शायद ही एक दो अफसर कोई गया होगा देखने के लिए, लेकिन उन लोग कुछ किया नहीं। दूसरा बात, आदिम जनजाति को सरकार का प्रिय पुत्र कहा जाता है, उन लोग के नाम पे हजारों योजना बनता है, लेकिन वो लोग सब ठेकेदार लोग खा जाता है, सप्लायर लोग खा जाता है, उन लोग को मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत भी मिलता है वो काम का नहीं रहता है, एक चीज़ हो गया। तो आदिम जनजाति के लिए सरकार एजुकेशन के बारे में बात करता है, इन लोग को एक्चुअली हक अधिकार पता होगा तब ना कि भाई सरकार मेरे लिए ये योजना ला रहा है। खास करके जागरूकता का बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि सरकार जो अच्छा एकलव्य विद्यालय हो गया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो गया, जो इस टाइप का आदिवासियों के लिए जनजाति के लिए जो विद्यालय है, और उस सब में इन लोग को पता ही नहीं है कि कब एग्जाम देना है, कब फॉर्म भरना है, कैसे एडमिशन होना है, कुछ नहीं पता है। लेकिन बच्चा को वहाँ जन्मदिन क्या होता नहीं पता है, बच्चा को खिलौना के बारे में नहीं पता है, शिक्षा के बारे में नहीं पता है, अपना नाम ठीक से नहीं बोल पाता है, चार बार पूछते हैं तो नाम बोलता है। हम गए थे जो ऊपर में पहाड़ में, वहाँ का हालत देख के हमको बहुत तकलीफ़ हुआ। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बाहर में रहते हैं तो हम लोग को तो बहुत सारा सुविधा मिलता है, बिजली पानी सड़क, इन लोग का भी हक है ना, हम लोग क्या पहाड़ों में रहते हैं तो इन लोग का हक नहीं है, इन लोग का भी तो मूलभूत अधिकार है, मूलभूत सुविधा इन लोग को भी चाहिए। सरकार को और जनप्रतिनिधि को इस सब जगहों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बंगला में कहावत है ना कि तेलुआ माथा है तेल देन, तेलुआ माथा मतलब जिसके पेट भरा हुआ है उसी को और खाओ ज़बरदस्ती, जिसका पेट खाली है उसको कोई ध्यान नहीं देता है। मेरा यही निवेदन है सरकार से कि जो भी जनप्रतिनिधि है, अफसर है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, आप लोग जैसे आज मीडियाकर्मी यहाँ ध्यान देने के लिए आए, और भी जो मीडियाकर्मी है इस क्षेत्र में आना चाहिए, यहाँ के बारे में रिपोर्ट बनाना चाहिए,
तभी जाके कुछ हो सकता है। मतलब इन लोग का समस्या को हम लोग को दुनिया के सामने लाना होगा। बस मेरा नाम गुरुचरण साहब है, हम स्टेट का थोड़ा बहुत काम करते हैं। जैसे ये आज का जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में हम कहीं कुछ ट्वीट किए थे, ऐसा ऐसा जगह है, तो उन्होंने ढेर सारा खिलौना भेज दिया, एजुकेशनल सामग्री भेज दिया, स्पोर्ट्स का आइटम भेज दिया, चॉकलेट केक बिस्कुट जो बच्चा लोग को खुशी मिलता है वो सब सामान भेज दिया। बच्चा लोग बहुत खुश है, तो ये थोड़ी देर के लिए खुशी बांट पाए, उसके लिए मध्यम बन पाया, उसके लिए हमको बहुत खुशी है।